जिस तरह से इन्होंने ये इनिशिएट लिया और ये इनिशिएट आज मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सारी आवाम देख रही है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं ख़ास तौर से उनकी नज़रें इस इवेंट पर ज़रूर होंगी, क्योंकि अगर ये इवेंट जिस तरह से बनाया गया है, इस तरह से अगर काम करेगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बार जो मौजूदा सरकार है उसकी जड़ें हम उखाड़ फेंकेंगे इंशाल्लाह। और रही बात एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जिस तरह से प्राइवेट किया जा रहा है, जिस तरह से फंड कट किए जा रहे हैं, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हमारे यहाँ 3 सेंटर्स हैं, मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद, किशनगंज। जब से मौजूदा सरकार में आई है ये वहाँ 1 रुपये का फंड नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मुसलमानों को तालीम से दूर रखा जाए। इनके इरादे बहुत साफ हैं। जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ये बार बार इनके सांसद और इनके MLA ये बात कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक आतंकवादी नर्सरी है, ये क्या बताती है? ये बताती है कि इनकी मानसिकता क्या है। ये बताते हैं कि इनके लिए माइनॉरिटीज़ कहाँ स्टैंड करती हैं। ये बताते हैं कि बार बार सवाल करते हैं मुसलमानों से कि वो देशभक्ति प्रूफ करें। आज़ादी के वक्त जब मुसलमानों ने यहाँ रहने का फैसला किया, क्या इतना प्रूफ काफ़ी नहीं है इनके लिए? ये बार बार हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, जबकि उनको भूल जाते हैं जो अंग्रेज़ों को लव लेटर लिखा करते हैं। सावरकर साहब, गौडसे साहब, ये वो चीज़ें भूल जाते हैं, उनको ये प्रमोट करते हैं अलग अलग रीज़न के थ्रू, संस्कृत के थ्रू ही उसको बुक्स में प्रमोट करते हैं उन सब चीज़ों को। तो हमें चाहिए कि हम अपना असल जानें। ये जो हम लोगों ने एक यंग इंडिया जिसमें एक मुहिम स्टार्ट करी है, इसमें चाहिए कि जो लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं हमें चाहिए इसको और आगे लेके जाएं। जो ऑर्गेनाइजेशन में भी इन्वॉल्व नहीं है, हमें चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म से एक आवाज़ बन के सबको उसमें इन्वॉल्व करा जाए। जिस तरह से ये सरकार, मौजूदा सरकार सत्ता में आई थी कि सबका साथ सबका विकास, तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ सबका साथ तो रह गया लेकिन विकास सिर्फ पार्टी का हो रहा। अच्छे दिन की बात, अच्छे दिन जनता के लिए तो नहीं आए, लेकिन हाँ कुछ मंत्रियों के लिए बहुत अच्छे दिन आ गए। आम इंसान को ट्रांसप्लांट के लिए जगह जगह भागना पड़ता है, इनके मंत्रियों का ट्रांसप्लांट एक दिन में हो जाता है, पता नहीं चलता। तो ये अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं और जिस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ये टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो भविष्य है इस मुल्क का, लेकिन जिस तरह से ये टारगेट कर रहे हैं, ये चाहते ही नहीं कि भविष्य उज्जवल हो, ये चाहते हैं कि हर जगह भगवाकरण हो, सिर्फ ये चाहते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि ये हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलते रहेंगे कि मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ा दो, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा दो, लेकिन ये हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें समझना चाहिए जब जब इस तरह की चीज़ें होती रहें, हमें चाहिए कि हम एक आवाज़ होकर जो भी सरकार हो, मैं मौजूदा सरकार की बात नहीं करूँगा, जो भी सरकार हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। हमारे कैंपस में हम हर तरह के जितने भी जुल्म होते हैं, चाहे हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान से बाहर हो, हर तरह के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और इन लोगों ने आजकल एक नया स्टैंड निकाला है, जो प्रोटेस्ट करे उसके खिलाफ FIR लगा दें। सेडिशन चार्जेस के लिए इतने आम हो गए हैं, बात बात में सेडिशन चार्जेस लगा देते हैं। इनको नहीं पता कि सेडिशन चार्जेस कब लगाए जाते हैं, किन हालातों में लगाए जाते हैं, तो इनके लिए इतना आम है। अभी मुझे इलेक्ट्रो में 1 महीना हुआ है और 2 FIR मेरे ऊपर है, 1 की तैयारी चल रही है। तो ये लोग का सेम मतलब एक रूटीन बन गया है कि FIR केसेस लगा दो और इस स्टूडेंट को खामोश कर दो। लेकिन ये बात भूल रहे हैं कि ये वही स्टूडेंट हैं जो इंशाल्लाह आगे चल के इनके लिए नासूर बनेंगे, इनको सत्ता में वापस आने के यही स्टूडेंट होंगे इंशाल्लाह जो इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे इंशाल्लाह।